पाचन, पेट और गैस विकार का मानसिक कनेक्शन या माइंड का कनेक्शन, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला, नागपुर यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी सारे लोग पेट विकार के लिए हमारे पास में आते रहते, और वो जब हमारे पास में आते हैं तब काफ़ी सारे गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट, पाचन संस्था के जो तज्ञ है, उनके तरफ से हमारे पास में आते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी फाइलें, बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस, जांच की रहती है, और वो सब नील है, कुछ भी उसमें खराबी नहीं है। तो फिर तकलीफ है, अभी करना क्या, फिर आखिरी एक चलो भाई साइकेट्स के पास में भेज दो इनको करके, वो हमारे पास में आते रहते। हमारे पास में आने के पहले बहुत उनके दिमाग में चलता है कि मैं क्या पागल हूँ, मेरा क्या दिमाग खराब हो गया, मैंने क्यों जाना चाहिए। मगर वो बड़े मुश्किल से फिर हमारे पास में पहुंच जाते हैं। उनकी तकलीफ ये होती है कि सब तरह की जांच करने के बावजूद भी कुछ मिलता नहीं है बदन में। बोलते कि फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब वहां कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, फंक्शनल डैमेज है, मिलता कुछ भी नहीं है मगर तकलीफ तो है ही। अभी ये लोगों को एक तो दस्त लगती है कि काफी बार उनको लेटरिन जाना पड़ रहा है, दिन में चार बार, पांच बार, छह बार जाते हैं, या कुछ लोगों को कब्ज लगती है कि भाई दो दो तीन तीन दिन लेटरिन नहीं होती, या कुछ लोगों को मिक्स होता है, कभी कब्ज है कभी दस्त है। ये लोगों को इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, मतलब भाई ऐसा लगता है उनको कि पूरा हुआ ही नहीं लेटरिन, मतलब दो तीन बार जाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि लेटरिन पूरा हुआ नहीं, और अभी एक बार अभी गए तो अच्छा होगा ऐसा उनको लगता है। पेट फुला सा लगता है, खराब ढकार आती है, ऐसा लगता है उनको पचन नहीं हुआ, गैस नीचे से निकलती है या गैस ऊपर से आती है और ढकार आती रहती है बार 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 बार, उनको ऐसा लगता है कि गैस पूरे बदन में गई है। कुछ लोग तो उनको बोलते हैं ऐसा कि गैस हमारे हाथ पैर में जाती है या सिर में जाती है या पूरे बदन में जाती है, ऐसा बोलते रहते हैं। एसिडिटी बहुत, जलन छाती में, वजन कम होना, क्योंकि खाना बहुत कम खाते हैं लोग, खाना खाए कि उनको लगता है कि भाई पचन नहीं होगा, और काफ़ी सारे खाने की जो चीज़ें उसके बारे में उनकी एलर्जी बहुत रह जाता रहती है कि ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो फिर खाना लिमिटेड खाते हैं, और उनका पूरा दिमाग वही रहता है कि भाई मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट विकार है। उसकी वजह से वो बाहर भी जा नहीं सकते जल्दी सवेरे, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमको चार पाँच छः बार जाना पड़ेगा, तो सुबह कहीं बाहर जाते नहीं, वो घर में 10 11 बजे तक घर में रहेंगे और चक्कर काटे रहेंगे लेटरिन के, और उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत बीमार हूँ। इसमें सेक्स के ऊपर भी इसका असर हो जाता है, वजन कम होना, दुबला पतला होना, खान पान नहीं, खाने में बहुत ही लिमिटेड चीज़ें, फिर घर में लोगों को लगता है कि भाई इनको खिलाना क्या, इनके लिए करना क्या, कि ये नहीं होना वो नहीं होना, ऐसे लगता है। सब तरह की जांच करने के बाद में ब्रेन की जांच करते हैं, पेट की एंडोस्कोपीज है, गैस्ट्रोस्कोपीज है, इसोफेगोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, सोनोग्राफी की है, ब्लड की जांच की है, सब रिपोर्ट नील है। बोलते कि नहीं नहीं एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, उसकी भी ट्रीटमेंट ली रहती है, मगर फायदा कहीं भी होता नहीं है। पेट हरदम फुला सा है, वजन बहुत चलते रहता है, इनकी वजह से परेशान हो जाता है इनका परिवार, क्योंकि ये बाकी लोगों को भी तकलीफ देते रहते हैं। घर में बीमारी है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, घर के लोग परेशान हैं, डॉक्टर के चक्कर काटते काटते खर्चा ज़्यादा होते रहता है। अच्छा, इनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, मतलब कमाना कम हो जाता है, इनका इनके कार्य के ऊपर भी बहुत प्रभाव होता है, काम नहीं कर पाते, फिर कमाई कम हो जाती है, फिर ये काफ़ी सारे लोगों को चूर्ण खाते रहते हैं, कुछ लेटरिन साफ करने की दवाइयाँ खाते रहते हैं। इनको पता है कि डैमेज नहीं है, तभी उनको लगता है कि नहीं मेरा मेरी जो बीमारी है वो डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पा रहे, बीमारी तो है, डॉक्टर को पकड़ने में नहीं आ रहा। अब होता क्या है कि ये बीमारी फिर होती क्यों है, जब डैमेज नहीं, मतलब कोई दिखता नहीं है, फिर क्यों है? तो इसका कहीं ना कहीं मानसिक कनेक्शन है। कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि इंटेस्टिन में, मतलब सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना, वो ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। देखो है ना, बहुत लोगों को टेंशन आता है तो वो लेटरिन लग जाती है, उनको फटाक से पहले बहुत ज़्यादा चिंता हो गई, टेंशन आ गया, कोई स्ट्रेस आ गया, तो वो उनको लेटरिन जोर से लगेंगे और लेटरिन को चले जाएंगे, टेंशन यहाँ आ गया, लेटरिन यहाँ। तो इंटेस्टाइन का और ब्रेन का तो कनेक्शन है ही, ये तो आपको मालूम ही है। कुछ स्टडीज के मुताबिक ऐसा मालूम SSRI जो है सेरोटोनिन, तो उसकी लेवल कम हो जाती है और उसकी वजह से ये बीमारी होती है। ऐसे कुछ स्टडीज, कुछ रिसर्च ऐसा बताते हैं कि इसकी लेवल कम होने से उसका असर फिर इंटेस्टाइन के ऊपर होता है, मतलब जो सेरोटोनिन लेवल्स जो है वो कम होने के कारण ये बीमारी होती है, और इसलिए उसको मानसिक कनेक्शन कहा जाता है। अच्छा, दूसरा फिर ये लोगों का यदि इतिहास हम देखते हैं, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में मालूम पड़ता है कि इनके बचपन में बहुत सारे ऐसे कारण हो गए, एक तो सेक्सुअल एब्यूज हुआ होगा, या इनके घर में जब देखते हैं तो पति पत्नी में पट्टी नहीं है,
माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट तरह के रहते हैं और उनके बहुत डोमिनेटिंग माँ बाप रहते हैं, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे उनके एडजस्टमेंट इश्यूज घर में रहते हैं और वो सारा उनके दिमाग में चालू रहता है। उनका खुद के ऊपर प्यार नहीं रहता, कभी उनको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत पाप किया हुआ है और मैं खुद को क्षमा नहीं कर सकता, माफ़ नहीं कर सकता। उनको लोगों के प्रति बहुत गुस्सा रहता है, खुन्नस रहती है, कोई बदला लेने की भावना रहती है दिमाग में। तो ऐसे काफ़ी सारी बातें जो है वो हम जब साइकोथेरेपी करते हैं तो उसमें मालूम पड़ती है। साइकोथेरेपी में हम ये बोलते हैं कि भाई पहले बीमारी एक्सेप्ट कर लो, जैसे डायबिटीज लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये इसको स्वीकार करो, ये बीमारी का स्वीकार करो, फिर देखो कि भाई दिमाग में जो चल रहा है तो क्या ऐसा दिमाग में टेंशन है, कौन से ऐसे इश्यूज है, फाइनेंशियल इश्यू है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, आपसी संबंध है उसमें खराबी है, बचपन में कोई हादसे हुए हैं या घर में कोई पट्टी नहीं है, पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो सब वो उसके बारे में चर्चा करके उनको काउंसिलिंग किया जाता है। उसके साथ साथ फिर कुछ दवाइयाँ हैं कि जो दवाइयाँ जब हम देते हैं तो उसका भी असर काफ़ी अच्छा होता है। हम उनको मेडिटेशन करने के लिए बोलते हैं, मेडिटेशन, फिर सेल्फ हिप्नोसिस है जिसमें रिलैक्सेशन, और मैंने कुछ ऐसे मेरे सेशंस तैयार किए हिप्नोथेरेपी के कि जिसमें मैं उनको हिप्नोटाइज करता हूँ और हिप्नोटाइज करके उनको पेट को रिलैक्स कैसे करना उसके बारे में सूचनाएं देता हूँ। अभी हमको मालूम है कि इंटेस्टाइन जो है वो कोई अपने कंट्रोल में नहीं है, या पेट जो है अपने कंट्रोल में नहीं है कि उसको रिलैक्स करे, मगर यदि दिमाग को रिलैक्स हम करते हैं, पूरा बदन रिलैक्स करते, तो धीरे 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 पूरे ऑर्गन्स भी रिलैक्स हो सकते हैं, और वो यदि रिलैक्सेशन की होगी तो बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि हमको बहुत फायदे हुए। हमारे यहाँ मतलब रोज के मेरे पास में ऐसा होगा रोज के 3-4-5 पेशेंट हमारे यहाँ रहते ही है, और पूरे हमारे देश भर से मेरे पास में लोग आते रहते हैं कि जिनको ये बीमारी है। ये इसके IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लोगों के ग्रुप्स है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स है, उसमें लोग एक दूसरे को सलाह देते रहते हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, अलग साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, ऐसे अलग अलग वो सलाह देते रहते हैं। काफ़ी लोग मेरे पास में लोगों को भेजते रहते हैं और अपना इलाज करवा के लेते हैं। आखिर मुझे इतना ही बोलना है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है वो मानसिक बीमारी है, उसका इलाज साइकेट्री से करना जरूरी है, मेडिसिन SSRIs, डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेशंस, रिलैक्सेशन दिमाग का करना है तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, काउंसिलिंग, मेडिटेशन, हिप्नोथेरेपी, आपसी संबंध में कोई खराबी है तो फैमिली थेरेपी, ऐसे सब करते हैं तो डेफिनेटली 4 से 6 महीने में लोगों को फायदा होता है। मेरे पास में ऐसे लोग देखे मैंने कि उनको वजन फटफट बढ़ना चालू हो गया, उनका दिमाग साफ हो गया, तो 2-3 महीने में उन्होंने पूरा वजन अपना वापस लेके आए और बीमारी भी अच्छी हो गई। कितने सारे लोगों की सालों साल प्रॉब्लम है, उन्होंने उसका स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मुझे ये है। मैं उनको काउंसलिंग में ये बोलते रहता हूँ कि आप स्वीकार करो ये बीमारी है, और ये पैराडॉक्सिकल है, जब आप स्वीकार करेंगे तो बीमारी गायब हो जाएगी। आप ये देखेंगे कि नहीं निकलना चाहिए, बीमारी क्यों है, निकलना चाहिए, देखो मेरे को आज ये प्रॉब्लम हो रहा है, देखो मेरा पेट फूल गया, देखो गैस हो गए, देखो ऐसा हो रहा है, और ऐसे परेशान रहेंगे तो बीमारी आएगी नहीं। तो उसका स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, दवाई लो, खुश रहो, मजे करो, तो बीमारी जल्दी निकल जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी लोगों को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लाखों लोग हमारे देश में आज ये बीमारी से ग्रस्त है, उनको फायदा हो जाएगा। हमारा जो संकल्प है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आप लोगों को ये वीडियो शेयर करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप हमारे मिशन में हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।